वहाँ पर सांप निकला हुआ था, और उधर लकड़ियाँ वगैरह रखी ना तो वहाँ पे भी कई बार सांप निकले हैं। तो मतलब बहुत बार यहाँ पे सांप निकल चुके हैं। तो हम लोगों ने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें हमें ये जूता भी लगा है, और इसको भी हम ऐसे चिपके रहने देंगे क्योंकि अभी पापा आने वाले हैं, तो उनका रिएक्शन देखेंगे कि कैसा होता है इसको देखने के बाद। तो आप लोग जरूर देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है बृहस्पतिवार और अभी मैं जा रही हूँ केले में जल चढ़ाने। तो सारी तैयारी मैंने कर लिया है, चलिए चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम फूल तोड़ लेते हैं। देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं आज। गाइस ये है केले का पेड़। चलिए अब इसमें जल चढ़ाते हैं, पैर छू लेते हैं विष्णु भगवान के। ओम वासुदेवाय। तो भी मैं केले के पेड़ में जल चढ़ा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुबह सुबह पूजा करना ना। एक पॉजिटिविटी आती है जब आप ऐसे सुबह उठकर नहा वहा कर फिर भगवान की पूजा करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है पूरा दिन बहुत ही अच्छा हो गया है। और आज ना मेरे साथ एक घटना घटते घटते बच गई, आपको भी पूरा ब्लॉग देखना आपको पता चलेगा। पीले फूल तो नहीं मिले लेकिन ये वाले हैं, तो यही चढ़ा देते हैं। और मैं बिल्कुल आराम से पूजा कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहाँ पर जहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे सांप भी हैं, और यहाँ पर सांप भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। जो सीढ़ियाँ हैं ना उसी के अंदर वो घुसे हुए थे और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अभी सुनना उनकी आवाज़ आएगी। यहाँ पर ना मुझे कुछ सांप जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है, पता नहीं यहाँ पर सांप है क्या है केले के पेड़ के पास। देखो तो पता नहीं चल रहा क्या, चिक 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 बोल रहा था। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा जंगल है, देखो लकड़ियाँ वगैरह पड़ी ना, तो एक बार सांप की केंचुल भी निकली थी, यानी शायद सांप वाप हो सकता है। तो हम ना दूर से ही पूजा कर लेते हैं। थोड़ा जा रही थी गाइस, पता नहीं शायद हो सकता है यहाँ कहीं हो। तो गाइस अभी हमने पूजा कर लिया, जल वगैरह चढ़ा दिया और धूप जला दिया, भोग भी लगा दिया, और हम सोच रहे थे फूलमती माता को भी भोग लगा देंगे और जल वगैरह चढ़ा देंगे, पर जब से आवाज़ सुन लिया ना तो डर लग रहा है, क्या करें। तो हम हिम्मत करके जाते हैं और जल चढ़ाते हैं, भगवान सब रक्षा करेंगे, ठीक है। तो गाइस पूजा मैंने कर लिया है, अब नीचे उतर के जाना है। और वो सांप की आवाज़ थी, मैंने सुना है ना कई बार सांप की आवाज़ चिक 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 बोलते हैं ना, तो वैसे ही आवाज़ आ रही थी। थोड़ा डर लग रहा है कैसे उतरे सीढ़ियों से। पूजा तो कर लिया है, अब उतरना है। तो गाइस अभी मैंने पूजा कर लिया है, और कई बार ना यहाँ पर ये जो मशीन है ना, एक बार यहाँ पर सांप निकला हुआ था, और उधर लकड़ियाँ वगैरह रखी ना तो वहाँ पे भी कई बार सांप निकले हैं। तो मतलब बहुत बार यहाँ पे सांप निकल चुके हैं क्योंकि यहाँ पे सब रखा हुआ है ना लकड़ियाँ वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सांप निकलते हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो बहुत यहाँ पर सांप रहते हैं। तो कैसे भी हिम्मत करके आज मैंने पूजा किया है, भगवान ने बचा लिया हमको। और यहाँ से आवाज़ आ रही थी, मुझे तो बिल्कुल भी मतलब याद नहीं था सांप के बारे में, जब मैं आवाज़ सुनी ना मैंने तब मुझे याद आया कि यहाँ पे सांप था। तो चलिए अब घर चलते हैं गाइस, पूजा हो गई है। और अब आप लोग खेत में देखाइए वहाँ क्या हो रहा है। पापा गए हुए हैं बांस काटने के लिए, क्योंकि जो छपरा है ना हमने आपको दिखाया था उस दिन जो टूट गया था, उसके लिए पापा बांस काटने के लिए गए हैं, तो वही लगाएंगे छपरा में। और भाई गया है उनको पानी वगैरह देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है ना तो प्यास लग जाती है, तो फिर पापा के लिए पानी ले जा रहा है भाई। और फिर वो वीडियो भी बना रहा है साइकिल में बैठे बैठे। मैंने उससे बोला कि मतलब वीडियो बना लेना, तो साइकिल में बैठ के बना रहा था। फिर मैंने जब अभी देखा तो बोला कि इस तरीके से मत बनाया करो वीडियो, साइकिल चला रहे और वीडियो भी बना रहे, वहाँ पर बनाना चाहिए तो रास्ते में क्यों बनाया।
और यहाँ पर ये देखिए पापा यहाँ पे बांस काटने जा रहे हैं। ये जो है ना ये बड़े बड़े बांस हैं, तो इन्हीं को लगा देंगे छपरा में, क्योंकि आंधी वगैरह पानी वगैरह आता है ना, तो गाय वगैरह बंधी हुई है तो उनके ऊपर पानी गिरता है और फिर धूल वगैरह भी आती है, तो धूल की तो प्रॉब्लम नहीं है पर पानी गिरता है ना तो भीग जाती हैं बेचारी, और भूसा वगैरह भी वहीं पर रखा हुआ है, तो इसलिए छपरा में लगाने के लिए पापा को यहाँ से बांस तोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ पर देख रहे हो कितना ज़्यादा जंगल है, कुछ भी सांप वगैरह तो आराम से यहाँ पर ही रहते ही होंगे मतलब। तो देखो किस तरह पापा मेहनत कर रहे हैं, और इतने मेहनत में और इतनी जंगल में यहाँ पे बांस तोड़ रहे हैं वहाँ छपरा में लगाने के लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। और छपरा ना ये जो आंधी आई थी उसी में टूट गया था, फिर आंधी आएगी टूट जाएगा, तो इतनी तेज़ आंधी आती है कि कुछ भी छपरा उपरा सब उड़ी जाता है, टूट फूट जाता है, पर फिर भी लगाना तो पड़ेगा क्योंकि गाय वगैरह बंधी हैं तो उनके ऊपर छाया तो करनी ही पड़ेगी ना, बेचारी भीग जाती हैं। और इसी वजह से देखो यहाँ पर थोड़ा बड़े बड़े बांस मिल जाएंगे पापा को, इसलिए पापा यहाँ से तोड़ रहे हैं। तो ये सब बांस के पेड़ है, देखो कितने बड़े बड़े बांस होते हैं ना गाइस, देखो कितने बड़े बड़े होते हैं। और यहाँ पर ये देखो सब घास वगैरह है, पेड़ है सब आम के कुछ, और कुछ ऐसे बबूल के पेड़ हैं, सब किनारे किनारे हैं ना मेढ़ों के किनारे, और ये बीच में ये सब घास वगैरह है। और यहाँ पर देखो ये बांस के पेड़ हैं, इनको बांस कोठी भी बोला जाता है, और ये जो बांस के होते हैं ना पेड़, ये उसमें शादी वगैरह में भी काम देते हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम की चटनी, और आज मैं सिलबट्टे में बनाऊँगी, तो इसको मैं पहले अच्छे से धुल लेती हूँ क्योंकि रखी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी लग गई है। तो ये जो है इसको पीसने वाला जो होता है ना, इसको लोड़वा बोला जाता है हमारे यहाँ, और इसको सिलौटी भी बोला जाता है हमारे यहाँ, तो सिलौटी बोलते हैं। तो चलिए अभी इसमें हमने जो है छील के रख लिया था, अब इनको हम पीसेंगे। तो दोस्तों आज हम देसी तरीके से आम की चटनी बना रहे हैं सिलबट्टे में, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं। जो कच्चे आम है उनको छील करके छोटा छोटा काट लिया है, अब इनको हम थोड़ा थोड़ा पीसेंगे, मतलब इस तरीके से, पहले इस तरीके से इनको चढ़ना। तो ये काफी ज्यादा उछलती है तो इसलिए हमने इसमें पानी रख लिया, और धुल के हम फिर से इसमें रख देते हैं। इससे पहले हम इनको ऐसे इनका मुंह तोड़ेंगे, उसके बाद फिर इनकी हम चटनी बनाएंगे। तो फोड़ने के बाद अब थोड़ा थोड़ा आगे खिसका खिसका के इस तरीके से इनको पीसना है। सिलबट्टे की चटनी का दोस्तों टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, इसकी चटनी ज़्यादा अच्छी लगती खाने। तो अमिया तो हमने पीस लिया, अब हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे। आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हो, वैसे गुड़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो गुड़ डालना, तो गुड़ डालना बहुत मज़ा आएगी खाने में। और गुड़ के साथ ही हम इसके अंदर ये भी डालेंगे, ये देखिए ये खड़ी वाली जो धनिया होती है ना, साबुत धनिया, और ये लाल मिर्च लिया है, और ये और सौंफ भी डालना है, मम्मी बता रही है, तो सौंफ डाल लेते हैं। एक चम्मच सौंफ ले लिया है, इसको भी डाल देंगे, और अगर पुदीना की पत्ती मिल जाए ना तो वो भी डालना, हम यहाँ नहीं थे हमारे पास तो हमने नहीं डाला है, पुदीना पत्ती भी डालिए, बहुत अच्छा फिर स्वाद आएगा। अब हमको इन सभी चीज़ों को इससे पहले उसी तरीके से फोड़ लेना है, और बाद में फिर इसकी चटनी पीस देंगे। तो बस इनको अच्छे से फोड़ डालना है, और उसके बाद भी इनको भी पीस लेना है। और सच में गाइस इतनी टेस्टी सब्जी बनती है ना चटनी, मजा आ जाती है, मतलब आप दो की जगह चार रोटी खा जाओगे इस तरीके से चटनी बनाओगे। तो बस इसमें नमक मिला लेना है, बाकी सब चीजें हो गई इसमें। तो दोस्तों देखिए देखिए चटनी बनकर तैयार हो गई है, बहुत मस्त लग रही है दोस्तों। अभी हमने चटनी में मिला दिया नमक, तो गाइस चलिए नाश्ता कर लेते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। और आज नाश्ते में क्या बना है बताएं आपको, बहुत टेस्टी चीज बनी है। तो आज नाश्ते में बनी है पूड़ी, और ये लौकी आलू की सब्जी, और ये सिलबट्टे की चटनी, तो चलिए खाते हैं जी। आप लोग भी खाइए और ये चटनी, और बताइए कैसी बनी। पूड़ी सब्जी मुझे काफ़ी अच्छी लगती खाने में, और चटनी बहुत टेस्टी बनी है, आम की चटनी, सिलबट्टे की चटनी जो बनती है ना बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनती है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें हमें ये जूता भी लगा है, और इसको मैंने अभी ऐसे चिपका दिया है, तो ये प्रिपरेशन हमने किया था शॉर्ट वीडियो के लिए। तो इसको भी हम ऐसे चिपके रहने देंगे क्योंकि अभी पापा आने वाले हैं, तो उनका रिएक्शन देखेंगे कि कैसा होता है इसको देखने के बाद, तो आप लोग जरूर देखिएगा। पापा देखेंगे तो पक्का डांटेंगे कि ये हुआ क्या और किस लिए यहाँ पे जूता चिपकाया गया है दीवार पे, इसको देख करके हैरान हो जाएंगे क्या है, दीवार में जूता क्यों लगाया गया है।
यह क्या है? तू मन से पगल है ना भाई, जूता उठा का है सबका? हमको तो नहीं पता। ये एक प्रकाश की हमने देखा था, वो पूजा है कुछ। पूजा? जूता कौन पूजा हो? किसी बाबा ने बताया। जूता टांगो? हाँ इसे। अरे मेन गेट पे टांगा जाता है जूता। अच्छा घर के भीतर जूता टांग दिया? अरे पागल हो, मेन गेट पे टांगा जाता है। अच्छा। उसके जो फीते होते हैं ना उसको थोड़ा लंबा कर दिया जाता है। हाँ। जैसे कोई आए तो उसके शरीर में टच। अच्छा। हो जाए। अरे जूता 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 लगा दिया अम्मा, देखो। हाँ, हटा। अम्मा आपको घर आई तो नजर लगा दी? नहीं नजर ही पर घर पर ना लगी, दुआरे टांगा जा। तो सब लोग डांट रहे हैं, हम इसको हटा देते हैं, नहीं तो अगर कोई भी अननोन पर्सन हमारे घर आएगा ना तो देखेगा तो क्या ही सोचेगा ये क्या है। तो इसको हटा देते हैं, काफी मेहनत से हम लोगों ने इसको चिपकाया था। हाँ हाँ हाँ। गाइस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।